हाय फ्रेंड्स, आई एम शौकत विजय नरवरी, वेटलिफ्टिंग कोच। आज मैं आपको स्नैच और उसकी सपोर्टिंग एक्सरसाइज की टेक्निक बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्नैच क्या है। स्नैच टू हैंड वेट जो हम उठाते हैं अपने इन ए सिंगल मूवमेंट विदाउट पॉजेस, हेड के ऊपर से ऊपर उठाते हैं। इसमें सबसे पहले हमें प्रॉब्लम जो होती है बच्चों को, जब वो बच्चे आते हैं सीखने के लिए, उनको कोचिंग के बगैर वो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्टिंग में उनको फॉल्ट रहता है वो ऑलरेडी एंड तक सेम फॉल्ट उनको रहता है, उसकी वजह से वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से वो फॉल्ट कंटिन्यूसली रहते हैं। अब हम स्नैच करके स्टार्टिंग पोजिशन आपको दिखाएंगे। स्टार्टिंग पोजिशन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बार के मिड में आपको खड़े रहना है, फुट की विड्थ आपको अपने पैलविस के हिसाब से वाइड रखना है और टोज को थोड़े से वाइड करने, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की मूवमेंट ये घूमती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी में फर्क पड़ता है, वो इसी वजह से आपको स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। देन उसके बाद जब बार के पास आप पहुँचेंगे, उसके बाद आपकी ग्रिप कैसे लेंगे आप, ग्रिप आप अपनी शोल्डर की विड्थ जो होगी आपकी उसके डबल शोल्डर विड्थ आप स्नैच की ग्रिप लेंगे। स्नैच की ग्रिप लेने के टाइम आपको तीन ग्रिप्स आपको पता है। नॉर्मल ग्रिप जो हम सीधे बार को आ जाते हैं और पकड़ लेते हैं, ऐसे नॉर्मल ग्रिप पकड़ते हैं। दूसरी ग्रिप हम थंबलेस ग्रिप पकड़ते हैं, जो कि वेट लिफ्टिंग में किसी जगह यूज नहीं होती है। तीसरी ग्रिप हुक ग्रिप है। हुक ग्रिप सबसे ज़रूरी ग्रिप है, क्योंकि इसमें बार आपकी बार जब हम ग्रिप पकड़ते हैं आपकी बार खुल नहीं जाती है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा स्नैच और हैवी लोड उठा सकते हैं। हुक ग्रिप जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपकी ओर, हुक ग्रिप थंब को ग्रिप के नीचे, बार के नीचे रखना है और उंगली को उसके ऊपर रखना है। हुक ग्रिप ये हो गई हमारी हुक ग्रिप। जब हमने ग्रिप भी ले ली, देन बार सबसे ज़्यादा फॉर्ट लिफ्टर्स में यही पाया जाता है कि जब वो स्टार्टिंग में बार को शिन्स के साथ रखते हैं, शिन्स के साथ जब वो बार को रखते हैं, दैट मीन्स उनको उनकी बार को शिन बाहर जाके अंदर लाना है, जबकि बार की ट्रेजेक्ट्री चेंज नहीं होनी चाहिए, बार की लाइन चेंज नहीं होती। अगर बार एक ही लाइन में ऊपर तक जाएगी, खाली आपके जॉइंट्स को मूवमेंट करके मतलब, अगर बार मैं आपको साइड व्यू में दिखाता हूँ, आपने ग्रिप ले ली, बार आपने शिन्स के साथ रखी, शिन्स के साथ, अब बार को अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा, बार को बाहर से, क्योंकि नीज बार की लाइन में आ रहे हैं, अगर लाइन में आ रहे हैं तो सीधा हिट करेगा नीज को, दैट मीन्स आपके बार फ्लेंज मेटाटार्सल फ्लेंज जॉइंट जो आपके हैं, ये वाले जॉइंट्स बार इनकी सीध में रहेंगे, इनकी सीध में रहेंगे, बार का पाथ ओपन रहेगा। इसके बाद क्या करना है आपने, खाली आपको नी जॉइंट्स को पीछे खींचना है। फर्स्ट ये नी एंगल आपका खुलेगा, जब आपका नी एंगल खुलेगा उसके बाद बार खुद ब खुद आप आ जाएगी फर्स्ट पोल, ये आपका फर्स्ट पोल बनता है। दैट मीन्स कि आपकी बार की ट्रेजेक्ट्री सेम रहेगी अप द फर्स्ट पोल। जब आपने नीज को पीछे खींचा, बार खुद ब खुद अप आ गई। इसके बाद क्या करना है आपने, अब सेकंड एंगल खुलेगा। इससे पहले तो आपने नी एंगल खोला, ये वाला एंगल, अब आपका ये एंगल अभी क्लोज ही है। अब वेट उठाने में आपको इस एंगल का यूज करना है। जब आप ये एंगल यूज करोगे, अभी तक आपने कोई एफर्ट यूज नहीं किया, खाली आपने थाइस यूज किए, अपर बॉडी आपकी यूज कुछ नहीं हुई इसमें, और इसमें खाली अभी आपके बार बाजू ने खाली हैंग करके पकड़ा है, और आपकी एनर्जी अभी तक सेव है। जितना हो सके आपको अपनी एनर्जी सेव करके रखनी है अप टू थर्ड पुल, या भी आपका फर्स्ट पुल आ गया आपका इधर तक बिलो द नीज तक स्नैच में, और देन जब आप फर्स्ट पुल आपने अपने नीज को पीछे खींचा, बार की ट्रेजेक्ट्री को और बार का पाथ जो है आपने स्ट्रेट रखा, और अब आपको क्या करना है, खाली आपको टोज पे आ जाना है। टोज पे आने के बाद आपका सेकंड पुल, यहां तक जितना हो सके बार को अपनी बॉडी के साथ आपको
क्लोज रखना है, जितना क्लोज आप रखेंगे उतना वेट इजी और अच्छी तरह आराम से ऊपर जाएगा और आपकी एनर्जी भी बच जाएगी। अब हम सेकेंड पुल स्टार्ट कर रहे हैं। सब सेकेंड पुल में आप बिलो, मतलब जहां तक आपकी बॉडी स्ट्रेट आ जाती है वहां तक आपका सेकेंड पुल आ जाता है, मगर ये सेकेंड पुल आपको खाली बॉडी का एंगल आपको खाली खोलना है इसमें, बाकी आर्म्स का किसी चीज का आपको कोई मूवमेंट अभी एनर्जी जाया नहीं करना। अब अगर ब्लास्टिंग के टाइम अब आपको फुल फोर्स अपनी लेग का यूज करना है, अपनी लेग का फुल फोर्स यूज करना है कि जब आप यहां तक पहुंचे अब आपको बॉडी को टोस पे लाके जो आपकी हिप बार की ओर आएगी उसी की वजह से बार ऊपर चली जानी चाहिए। जैसे कि साइड व्यू में फिर से दिखाता हूँ आपको, स्लो मोशन में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप टोस पे आ गए, आपकी बार ज्यादातर क्या होता है बार बाहर की ओर आती, इसकी वजह से हम पुल देते हैं, बार धक्का देते हैं, इसकी वजह से लोअर एब्डोमेन में आपकी इंजरी आ जाती है। बॉडी को बार की ओर नहीं फेंकना है, अलबत्ता हमको क्या करना है, हमको बार जब ऊपर जाएगी बार खाली एंगल को खोलना है, ऑटोमेटिक आपकी हिप बार की ओर आएगी, इसकी वजह से बार को ऊपर ब्लास्ट करके ऊपर चेस्ट तक जितना हो सके उतना आपको खींचना है और एल्बोज आपके ऊपर की ओर होनी चाहिए, लाइक दिस बॉडी के साथ। अगर आपका वेट बाहर जा रहा है दैट मीन्स आप वेट बहुत कम उठा पाओगे। इसके साथ इसके बाद क्या करना है, असल में वेट जितना आप ऊपर फेंक सकते हो उतनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब आपके जस्ट टेक्निक की वजह से असल में क्या है, वेट जब आपने जमीन से उठाया असल में स्नैच इतनी ही हाइट तक मिनिमम पहुंचना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, आपने खाली अपनी लेग्स को बेंड करके इसके नीचे चला जाना। अगर वेट हैवी होगा, लाइट वेट को तो आप ऊपर फेंक सकते हो मगर हैवी वेट को नहीं फेंक सकते हो, उसकी वजह से आप इतना ही वेट उठाने की जरूरत है आपको। उसके बाद पुल के बाद इस हाइट के नीचे नीचे आपको बैठना है, अपने आर्म्स को स्ट्रेट करना है। अगर आर्म्स आपकी थोड़ी सी बेंड रही दैट मींस आपका वेट सारा आ रहा है जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स पे, ये वेट आप होल्ड नहीं कर पाओगे, दैट मींस ये वेट आप होल्ड नहीं, आपका वेट होल्ड होना चाहिए बैक पे, शोल्डर्स पे, और बैक आपका स्ट्रेट होना चाहिए। जिस स्टार्टिंग पोजिशन में अगर आपको राउंड बैक रहा, थोड़ा सा भी राउंड बैक रहा, जैसे कि साइड व्यू में आप देख लीजिए, अगर थोड़ा सा भी आपका राउंड बैक रहा आप दैट मीन्स आपकी पोजीशन वीक है, आप वेट उठा नहीं पाओगे। जितनी भी जगह आपका चेस्ट अप रहना चाहिए हर एक एक्सरसाइज में। वेट लिफ्टिंग में ज्यादातर न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज होता है, जितना आप जमीन को धक्का दोगे उतना जमीन आपको वापस धक्का देगा, पुश देगा, मतलब जितना पुश आप करोगे उतना ऊपर वेट उठेगा। जितना लूज आप अपनी लेग्स लूज करके देखो किसी भी एक्सरसाइज, बाइसेप्स चेस्ट, आप देख लीजिए कि वेट कितना स्लो जाता है जब आप लूज लेग्स होंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइजेस इसकी बैलेंसिंग और पावर एक्सरसाइज स्नैच की दिखाता हूँ, क्योंकि मेन एक्सरसाइज टेक्निक आपको स्नैच के इर्द गिर्द ही है, सारी टेक्निक स्नैच की है, बट एक्सरसाइज सारी सपोर्टिंग इसी टेक्निक में से निकल रही है। जैसे कि पावर स्नैच है जो आप कर सकते हो, आप कोविड में कोविड का टाइम चल रहा है अभी, आप आराम से कर सकते हो, बैम्बू स्टिक्स पे अपनी टेक्निक ठीक कर सकते हो। पावर स्नैच में क्या करते हैं, अभी ग्रिप जो आपने मैंने अभी आपको दिखाई, स्टार्टिंग पोजीशन जो मैंने आपके दिखाई, सेम उसी पोजीशन में खड़े खड़े आपको स्नैच मारना, नीचे बैठने की आपको कोई जरूरत नहीं है। पाव बॉडी के साथ 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 स्लो मोशन में ऊपर हेड के ऊपर, ये हमारी पावर स्नैच है इसकी। इसके बाद मैं आपको बैलेंसिंग ड्रॉप स्नैच का दूँ, जब लोग वो किस काम आती है, हमें जब हम स्नैच करते हैं बैलेंसिंग के लिए, स्नैच किसी को होल्ड नहीं होता है, उसके लिए हमें बैम्बू स्टिक लेनी पड़ेगी जो आपके पास अभी मिले होगी घर पर सबको। उसमें क्या करना है, आपने ड्रॉप स्नैच बार के नीचे जाना है, बार के ऊपर नहीं जाना, डाउन और लेग्स को वाइड करनी है, होल्ड करना है शोल्डर पे सारा वेट, देन गेट अप, डाउन, बॉडी एकदम आपकी टाइट होनी चाहिए, फास्ट 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 फास्ट। वेटिंग में खाली स्पीड पे डिपेंड है, जिसकी जितनी स्पीड होगी वो उतना बहुत अच्छा कर सकता है। और एक बैलेंसिंग है स्नैच स्क्वाट्स, बार सर के ऊपर और खाली आपको अप डाउन करना, लेग्स पांव का एंगल सेम होना चाहिए,
और 5, 2, 3, 2, 1 फाइव रोटेशन ऐसे आपको एक एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। देन ड्रॉप स्नैच भी हो गया, वॉक स्नैच वॉक में क्या कर सकते हैं, स्नैच वॉक दूसरी बैलेंसिंग एक्सरसाइज हमारी ये स्नैच वॉक, स्नैच वॉक स्नैच मशीन में वॉक करना और बैक 4, 5, 6 डेड पोजीशन से हमें स्नैच जो कर रहे हैं उसमें उसकी दो चार एक्सरसाइज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। डेड कंप्लीट जो जो ग्राउंड से हमें स्विंग आ रहा है वो अभी स्विंग नहीं आ रहा है, नीचे से जो स्विंग आ रहा था वो अभी डेड है, अभी वेट का स्विंग बंद है, अभी दो चार एक्सरसाइज आप देख लीजिए। Okay, friends. Thank you. See you then.